हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दोनों टॉपिक आज साथ लेके चलेंगे। जैसे पहला हमारा जो टॉपिक है कि हमने जैसे समानतावादी के बारे में पढ़ा और मध्यिका के बारे में पढ़ा और तीसरा भी हमने बहुलक के बारे में जाना। बहुलक आपको पता ही होगा कि वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है एक श्रेणी के अंदर, वो बहुलक होता है। तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, यानी x बार समांतर माध्य, m मध्यिका और z बहुलक, इन तीनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है इनके? इन पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है। कई बार एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिशन में वो फॉर्मूला पुट करने पर आपका आंसर हमें रिसीव हो जाता है, लेकिन किस कंडीशंस के अंदर वो फॉर्मूला हमें यूज करना है उसके बारे में आज आपको मैं बताता हूं कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, यदि आपको समांतर माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है और आपको मध्यिका कैलकुलेट करनी है, तो आप आसानी से उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इन्हीं दो चीजों, तीन चीजों में से यदि दो चीजें आपके पास प्रोवाइड है तो आप तीसरी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। यदि मध्यिका बहुलक है तो समांतर माध्य निकाल सकते हो, समांतर माध्य मध्यिका है तो आप बहुलक कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में हम अगर बात करें तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, करने से पहले हम अगर बात करें कि जैसे देखो ना, कोई भी जो आवर्ती होती है, आवर्ती वितरण का मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने आवर्ती के बारे में तो पढ़ा ही। जब आवर्ती का विंटन होता है ना, तो समांतर माध्य जो होता है वो संतुलन बिंदु होता है, ठीक है ना। समांतर माध्य क्या होता है? संतुलन बिंदु होता है। अगर कभी भी आवर्तियों का जब बंटन होगा तो समांतर माध्य कहां पर होगा? एक संतुलन बिंदु पर क्या हो जाता है? स्थित हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मध्यिका की बात आती है तो मध्यिका जो हम आवर्ती वितरण होता है उससे यदि वक्र बनाते हैं तो उस वक्र के द्वारा घिरे हुए को दो बराबर भागों में मध्यिका क्या कर देती है? बांट देती है। यानी उसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसको दो भागों में क्या कर देती है? मध्यिका डिवाइड कर देती है। यानी वक्र का जो क्षेत्रफल है उसको दो सिरों के अंदर या दो भागों के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। जबकि जो बहुलक होता है, जो वक्र होता है उसका, जैसे कि मान लो वक्र है हमारा, इसका जो ऊपर वाला पिक पॉइंट है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो कोई भी हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो की बात की जाती है तो उसमें समांतर माध्य जो होता है वो संतुलन बिंदु पर स्थित हो जाता है, मध्यिका जो वक्र होता है उसका दो भागों में डिवाइडेड, यानी उस क्षेत्रफल का दो भागों में जब डिवाइड हो जाता है यानी विभक्त हो जाता है तो मध्यिका। और यदि हम कहें कि जो ऊपर वाला वक्र का सिरा होता है, बिल्कुल जो पिक पॉइंट होता है, वो बहुलक कहलाता है। लेकिन एक बात यहां पर आती है कि यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, इक्वल का मतलब यदि आवर्तियां बढ़ रही है, जैसे आवर्ती 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ रही है, बढ़ने के बाद आवर्ती लगातार घट रही है, तो हमारे पास एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तैयार हो जाता है जिसे हम घंटीनुमा वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारा समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यदि आवर्तियां लगातार बढ़े और एकदम से हाईएस्ट पर पहुंचकर लगातार घट जाए, ठीक है, समिति मंडल बोला जाता है इसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो वहां पर समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यदि हम बात करें कि आवर्ती बढ़ी फिर लगातार घटने की बजाय एकदम से तेजी से घट जाए, ठीक है ना, धीरे धीरे घटने की बजाय, या धीरे धीरे बढ़े और एकदम घट जाए, तो इधर वाला इफेक्ट या तो कई बार ज्यादा होगा, ठीक है, यू हो गया, ठीक है, और या धीरे धीरे बढ़ेगी और एकदम से घट जाएगी, तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रभाव आ जाते हैं। इसमें समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों ग्रेटर देन लेस देन चलेंगे। अब अगर हम फॉर्मूले की जब बात करते हैं तो उस फॉर्मूले में अगर हम आते हैं तो समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक कैसे कैलकुलेट होगी उसके बारे में बात की जाती है। तो देखो, हमारे को वैसे तो एक फॉर्मूला पुट करवाया जाता है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि 3m x बार माइनस जेड इज इक्वल 3x बार माइनस में m। ये क्या बताता है कि समांतर माध्य और बहुलक जो है, समांतर माध्य और जो बहुलक है उनका अंतर हमेशा मध्यिका, समांतर माध्य और मध्यिका का तीन गुने के क्या होगा? बराबर होगा। यानी समांतर माध्य और बहुलक का जो अंतर है, ठीक है, वो समांतर माध्य और मध्यिका के अंतर के तीन गुने के बराबर होता है। तो अगर हम इसी से फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो x बार
माइनस में जेड इज इक्वल, अगर हम ब्रैकेट खोलते तो 3x बार 3m, ठीक है, समांतर माध्य, जैसे बहुलक का फॉर्मूला बनाना चाहते तो समांतर माध्य उधर जाता, जाकर क्या हो जाता, माइनस का हो जाता, ठीक है। तो कितना समांतर माध्य बच गया, 2x बार, और मध्य का 3m बच गई, और बहुलक जेड बचा, लेकिन किसका बचा था, माइनस का। यदि हम साइन चेंज करते, बहुलक को पॉजिटिव करते तो ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला पुट हो जाता है वो हो जाता है 3mx माइनस में 2x बार। यही शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमें क्या बताता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, यानी समांतर माध्य बहुलक दोनों का जो अंतर है वो मध्य का और समांतर माध्य, ठीक है, दोनों के अंतर का 3 गुना इसके इक्वल होता है, इसी से हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि मध्य का दी है, समांतर माध्य दी है, बहुलक कैलकुलेट कर सकते हैं, मध्य का दी है, बहुलक दी है, समांतर माध्य कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब समांतर माध्य दी है, बहुलक दी है, तो मध्य का कैलकुलेट कर देते हैं। तो क्या होता है कि तीनों जो हमारे पास कंसेप्ट होते हैं, अब कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स तीन फॉर्मूले याद कर लेते हैं, भाई आप एक फॉर्मूला याद रखो ना, 3m माइनस में 2x बार किसके इक्वल है, बहुलक के इक्वल है। कैसे, अगर आप इससे बाकी फॉर्मूला बनाना चाहो, जैसे मध्यिका का फॉर्मूला मैं बनाता तो मध्यिका का फॉर्मूला बनता तो कैसे बनता कि वही 3m जेड माइनस में क्या हो जाता, 2x बार हो जाता, m का मान निकालते तो 3 क्या हो जाता, डिवाइड में, तो हम कह सकते थे 1 डिवाइडेड बाय 3 जेड माइनस में 2x बार, ठीक है। और ये जब उधर गया था तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मध्यिका निकाली, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो गई, ये मध्यिका का फॉर्मूला बना दिया। अगर हम समांतर माध्य का फॉर्मूला निकालते हैं तो माइनस 2x बार इधर पड़ा तो जेड माइनस में 3m, ठीक है, एक्स बार का मान निकालते हैं तो जेड माइनस में 3m बटा में 2, निशाना भी माइनस का पड़ा था साथ में, तो माइनस का निशान कैंसिल किया तो ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिखते तो 3m माइनस में जेड बटा में क्या आ जाता, 2 आ जाता। अब देखो फॉर्मूला वही है, बनाया इसी से है। अब अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो इसी से भी कर सकते थे, आपको एडिशनल फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं से दोनों फॉर्मूले बने ना। अगर आप फॉर्मूला नया बनाते हो तो वो हमें तो जब एग्जाम आता है तो शॉर्टकट क्या चाहिए होते हैं, आंसर चाहिए होते हैं फटाफट, तो आप इसी फॉर्मूले को याद करो, जब आपको दो चीजें दी है तो तीसरी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया तो उसमें भी आपने देखा कि एक्स बार जेड इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, तभी फॉर्मूला पुट हो रहा है ना। तो उसी प्रकार जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड, यानी वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रही है वैल्यू तो वो लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, राइट हैंड साइड जा रही है तो राइट हैंड साइड चली जाएगी, तो उससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें कैलकुलेटर हो जाता है। तो अब हम इनके क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, उन्हीं फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। हाँ, देखते हैं इनके न्यूमेरिकल। जैसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, जेड इज इक्वल 3m माइनस में 2x, ठीक है। अब अगर हमें ये क्वेश्चन दिया होता कि मध्यिका और बहुलक जो तीनों चीजें इसमें से कुछ कैलकुलेट करनी है, जैसे समांतर माध्य हमें 15 दे देता और मध्य का 20 दे देता और कहता कि बहुलक कैलकुलेट करो, तो ये तो फॉर्मूला सीधा था। जैसे आप कहते हो कि क्वेश्चन सर फॉर्मूले तीन तीन है, तो उससे कैसे आपको मैं करके भी दिखाता हूं कि क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जेड वैसे का वैसे मध्य का कितनी दी हुई है, 20, ठीक है। समांतर माध्य कितना दिया हुआ, 15, 60 माइनस में 15 दूनी 30, तो बहुलक कितना आ गया हमारे पास, 30। यानी हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास क्वेश्चन था और क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया इस फॉर्मूले से, शॉर्टकट फॉर्मूले से। मध्य का दे दी हमें और बहुलक कैलकुलेट करना था समांतर माध्य और मध्य का से, तो हमने कैलकुलेट कर दिया क्योंकि फॉर्मूला सीधा सा था। तो जेड इज इक्वल 3 × 2, ठीक है, माइनस में 2x बार, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, इसका सॉल्व हो गया।
ठीक है। अब आओ अगला क्वेश्चन अगर हम करते हैं इसी तरीके से ही, अगर हमें कह देता कि बहुलक 30 है, माध्यिका 20 है और समांतर माध्य कैलकुलेट कर, आप अगर इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या था, जेड इज इक्वल 3m माइनस में 2x बार। हमें बहुलक दिया हुआ है कितना 30, माध्यिका 3 इंटू में 20 और माइनस में 2x बार, 30 60 माइनस में 2x बार। अब माइनस का 2x बार उधर जाएगा तो जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, साइड चेंज कर दी ठीक है ना, ये इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो आते साइन किसका हो गया माइनस का, तो 2x बार कितना बच गया 30, x बार 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना बच गया 15। देखो 15 आ गया ना, सेम क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर आप कहते कि सर हम फॉर्मूला ये बनाते, अगर आपका फॉर्मूला वही होता कौन सा x बार वाला, तो x बार वाला फॉर्मूला बनाते तो क्या बनता था, यही बनना था 3m माइनस में z और बटा में 2 ठीक है। तो 3m कितना दिया हुआ था 20 और z कितना दिया हुआ था हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय कितना था 2, 60 माइनस में 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 50। आंसर तो सेम ही आया ना, आप एडिशनल फॉर्मूले सिर्फ एक ही याद रखो, उनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर ही वो तीनों फॉर्मूले बनाए हुए हैं आपको, तो जब तक जेड इज इक्वल 3m माइनस में 2x बार याद है तो आप उस फॉर्मूले से, आप समांतर माध्य दिए तो माध्यिका और बहुलक जो भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं आप वो कैलकुलेटर कर सकते हैं ठीक है। तो अब आपको मैंने बहुलक निकाला हमने जब हमारे पास माध्यिका और समांतर माध्य दी हुई थी, फिर हमने माध्यिका और बहुलक दी होने पर समांतर माध्य कैलकुलेट किया, दोनों फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया, आंसर क्या आया हमारे पास इक्वल आया ठीक है। लास्ट रह गया हमारे पास कौन सा, माध्यिका निकालना, तो आओ माध्यिका भी कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर हमारा ये कंसेप्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। जैसे वही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, समांतर माध्य हमारे पास 15 दिया हुआ है, बहुलक हमारे पास कितना 30 दिया हुआ है और माध्यिका हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। देखो इनके अंदर वही रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाने हमें, ये तीनों चीजें हमें दी हुई है, फॉर्मूला हमारे पास है जेड इज इक्वल 3m माइनस में 2x बार। मेरे को लगता है फॉर्मूला भी याद हो ही गया होगा आपको, क्योंकि याद रखने वाली कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं थी, ये माध्यिका 3 गुना है, समांतर माध्य 2 गुना है, अगर इन दोनों में से घटा दिया जाता है तो हमें बहुलक रिसीव हो जाता है ठीक है। तो जेड इज इक्वल हमें कितना दिया हुआ है 30, 3m माध्यिका कैलकुलेट करनी है और समांतर माध्य 2 इंटू में 15 ठीक है। अब 30 3m माइनस 30, 30 उधर जाकर किसका हो जाएगा या इधर प्लस का, m इज इक्वल 60 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 30, 60 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय करने पर हमें m इज इक्वल कितना प्राप्त हो गया 20। तो माध्यिका हमारे पास कितनी आ गई 20, देखो माध्यिका 20 थी। अगर आप कहते कि सर हम तो उस फॉर्मूले से पुट करेंगे, हमें तो अलग फॉर्मूला याद रखना है, तो उसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम इज इक्वल क्या होता जेड माइनस में 2x बार, ये क्या हो जाता प्लस हो जाता और बटा में क्या आ जाता इनके 3 आ जाता। यहां से अगर हम फॉर्मूले में पुट करते तो बहुलक हमारे को कितना दिया हुआ था 30 दिया हुआ था, समांतर माध्य 2 इंटू में 15 दिया हुआ था, बटा में 3, तो समांतर माध्य मंदी बहुलक को टोटल करते तो कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय 3 करते तो कितना आ जाता 20 आ जाता। तो आई बात समझ में, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में ये रिलेशन होता है ठीक है, बाकी इनका कोई अनुपात भी होता है, एक अनुपात इनके रेशो होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट, ये समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, अगर इन दिनों में से कोई दो चीजें दी हो तो हम उसे कैलकुलेटर कर सकते हैं ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।